હૈદરાબાદ ખાતે રહેતા એક સિનિયર એડવોકેટને દિલ્હીમાં પોતાની મોટી ઓળખાણ હોવાનું કહી એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોવિડન્ટ ફંડના વાઇસ ચેરમેન પદે ગોઠવવાની લાલચ આપી. રૂપિયા 75 લાખની છેતરપિંડી કરનાર એવા સેલવાસ ખાતે રહેતા ભગવાધારી સોનુ મહારાજ ઉર્ફે ત્રિલોક સ્વામીની હૈદરાબાદ પોલીસે ધરપકડ કરી 5 દિવસના ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મેળવી તપાસ હાથ ધરી હૈદરાબાદ ખાતે લઈ ગયા હતા. સેલવાસ ખાતે રહેતો સોનુ મહારાજ ઉર્ફે ત્રિલોકનાથ સ્વામીએ તેલંગાણા સ્પેશિયલ પોલીસ ટીમ क्राइम स्टेशन हैदराबाद से एक टीम यहाँ पे आई थी और उनके यहाँ पे एक केस रजिस्टर है जो चीटिंग और फर्जरी का केस है. उस केस में एक सिलवासा का एक्यूज सोनू कीर्ति पांडे एलाइज त्रिलोकीनाथ पांडे ये इन्वॉल्व है. ऐसा इन्होंने यहाँ आकर सिलवासा एसपीसी शरद दराड़े को एक एप्लीकेशन किया और एक्यूज को पकड़ने के लिए यहाँ हेल्प मांगी. तो एसपी साहब के मार्गदर्शन में हमने एक टीम यहाँ बनाई और ये जो हैदराबाद की टीम यहाँ पे आई थी उनको साथ में रखते हुए ये एक्यूज सोनू कीर्ति पांडे का पता लगा कि ये आज अपने घर पे है. तो दोनों टीम जाके वहाँ पे सर्च किया तो वो अपने घर पे मिले. उनको अप्रिहेंड करके सिलवासा पुलिस स्टेशन पर लाए और हैदराबाद टीम ने उसको अरेस्ट करके आज कोर्ट में पेश किया और 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया है. ये जो केस है इस केस का फैक्ट ये है कि एक मिस्टर प्रवीण कुमार करके है हैदराबाद के रहने वाले एक कैट के एडवोकेट है और इनको ये जो एक्यूज है सोनू पांडे ये खुद को एक बड़ा हाई इन्फ्लुएंसियल आदमी बताता है और बोलता है कि उसका खुद का बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इसका संबंध है और वो जो भी चाहे वो काम करवा सकता है. तो इन्होंने एक कंप्लेनेंट को एक प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जिसका वाइस चेयरमैन बनाना था वाइस चेयरमैन का पोस्ट के लिए एक कंप्लेनेंट के साथ उसने 4 करोड़ का डील किया था और बताया कि आप 4 करोड़ देंगे तो आपको ये पोस्ट हम दिला के रहेंगे. ऐसा तो उनका कंप्लेनेंट के साथ इस बातचीत हो जाने के बाद उन्होंने कंप्लेनेंट के बाद से टोटल 10 लाख आरटीजीएस के थ्रू और 65 लाख रुपया कैश ये लिया. उसके बाद भी ये पोस्ट वो दिला नहीं पाए तो कंप्लेनेंट ने जाके वहाँ हैदराबाद में ये कंप्लेन किया था और उसके बेसिस पे ही आज हैदराबाद टीम यहाँ आकर सिलवासा पुलिस की मदद से उसको गिरफ्त में लेके आज वापस हैदराबाद जाने के लिए रवाना होगी. और साथ ही साथ इसमें और भी कई एक्यूज इन्वॉल्व है बॉम्बे के दिल्ली के वो अभी आगे वो हैदराबाद टीम करेगी जो उनको करना है. अगर यहाँ की और भी कुछ हेल्प चाहिए उनको तो सिलवासा पुलिस उनको हेल्प करने के लिए तैयार है. मुझे हैदराबाद आके एक आदमी को ईपीएफओ में जॉब दिलाता हूँ देखे 75 लाख लिया पूरा डील 4 करोड़ से 75 लाख ऑलरेडी दिया उन्होंने अभी तो उनको जॉब नहीं दिलाया तो उन कंप्लेंट करे अभी तो इधर आके सिलवासा आके साहब से मिले एसपी साहब से मिले तो साहब महाजन साहब से बोले तो साहब से ऐसा उनको पकड़े साहब 75 लाख से लिया साहब उन्होंने. किस चीज के लिए मांगा? ये ईपीएफओ वाइस चेयरमैन जॉब के वास्ते मैं दिलाता हूँ. ईपीएफ क्या है? ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वाइस चेयरमैन जॉब नॉमिनेटेड पोस्ट आपको देता हूँ लिए ऐसे लिए पैसा लिया उन्होंने.